किसानों वालों अज इकट्ठे होकर मार्केट कमेटी में पहुँच के मार्केट कमेटी के सकत्र मंग पत्र दिता गया और कहा गया कि बटाला मंडी में किसान वीर लगातार लुट खसुट हो रही है। 1 अक्तूबर तो सरकारी खरीद शुरू हुई है पर अजे तक बटाला मंडी में आरओ नहीं कटे जा रहे जो कि सरकार की मिली भुगत है। किसानों ने चेतावनी दी कि जेकर किसानों मंडी में आ रही मुश्किलों का हल नहीं किया गया तो सानू मजबूर होकर सड़कों पर उतरना पवेगा। किसान आगुओं ने कहा कि बटाला मंडी गुरदासपुर जिले की सब तो वड्डी मंडी है पर किसानों की खज्जल खुआरी रुकन का नाम नहीं लै रही। 1 अक्तूबर तो सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है पर अजे तक आरओ नहीं कटे जा रहे और ना ही सैलर वाले वालों किसानों फसल का सही मुल दिता जा रहा है। जेकर अजिहा ही चलता रहा तो अधिकारियों ने इस वाल कोई ध्यान ना दिता तो सानू मजबूर होकर धरने प्रदर्शन देने पैणगे। मंडी बोर्ड के अधिकारी ने कहा कि किसानों वालों मंग पत्र दिता गया है, सकत्र साहब नूं दस दिता गया है तो जल्द ही आरओ कटे जाएंगे। तकनीकी खराबी होने करके जिहड़ी मुश्किल आई है उसनू जल्द ही हल कर लिया जाएगा। बाकी मंडी में हरेक प्रबंध मुकम्मल कर दिए गए हैं ता जो किसानों किसी तरह की मुश्किल ना आवे। देखो जी बटाला मंडी दे विच निरी नेर गर्दी है, किसानों के नाल लुट खसुट की जा रही है जिथों तक सानू लगता कि सरकारां भी मिलियां हुई हैं। मंडिया दे विच अजे तक आरओ नहीं कटे गए, ये सिर्फ साड़ी बटाला मंडी का हाल है जी। अभी इनू चोरां की मंडी कहांगे जी कि सरकार ने अजे तक आरओ क्यों नहीं कटे। जिहड़ी परमल की फसल किसानों की इस टाइम मंडी के 40% आ चुकी आ, 2203 रुपये वह MSP आ, 2000 रुपये प्रति क्विंटल विकती पई आ। किसान सीधा सीधा प्रति एकड़ 7000 का घाटा पै रहा जिदे असी अपनी सूबा सरकार को दोषी मनांगे। जे सरकार ध्यान दे प्रशासन ध्यान दे तो जटा का इन्ना माड़ा हाल ना हो। अज असी सारी मंडी में जाके वेख्या पहली गल आ प्रोपर खरीद नहीं हो रही। 1 तरीक के उत्ते इन्होंने सरकारी खरीद जारी की आ, अजे तक आरओ ना देने करके जेडे लोकल सैलर है वह अपन मन मर्जियां कर रहे हैं। जे आरओ कटन के नाल बाहर के सैलर भी इतने आके परचेज कर जटा उन्हों का पूरा भाव मिले। तुम एक बार जाके मंडी का सर्वे करो, तुम पता लग जाएगा किन्ने परसेंट जी परमल विकी आ ते किन्ने किसान मंडिया के रुलते पे आ। हुण तुहानूं सब तो माड़ी गल दसा जी, असी जदों मंडी में गए असी उन्होंने जी आढ़ती एसोसीएशन उन्होंने कहा कि सानू एक कमरा खोल दिता जाए जिथों असी सारी मंडी अनाउंसमेंट कर सकीए। असी इन्हां दे प्रधान नूं फोन किया, प्रधान ने फोन नहीं चुकिया, उन्होंने सानू कमरा नहीं खोल के दिता। किड्डी मंदभागी गल है कि जिन्हां आढ़तियों को किसान अपनी फसल लैके आउंदे आ, जिन्हां ते भरोसा करदे आ, वह भी लोग मैनूं लगता वा कि सैलरां वालियां दे नाल मिले हुए आ। सो ये साडी आवाज़ जिहड़ी आ ये पंजाब सरकार तक पहुँचनी चाहीदी आ, नहीं तो जे नहीं सुनते साड़ी आवाज़ फिर सानू अपने काम अधिकार जिहड़े लैने आउंदे आ। असी रोड जाम करांगे, सरकार सानू ना मजबूर करे कि असीं रोडां ते बैठीए, साड़ी जिहड़ी आ पीसफुली जिहड़ी आ डिमांड नूं पूरा किया जाए। इहदे विच 2 घंटे का भी डिले नहीं होना चाहिए क्योंकि टन्नां दे हिसाब नाल जिहड़ी आ फसल मंडियां च आ रही है। जे 1 दिन का डिले जां घंटे का भी डिले करदे आ उहदे विच लखां दा नुकसान किसानां दा हो रहा, वो नुकसान ना होण दित्ता जाए। जो अज सैकटरी साहब नाल टैलीफोन ते गल होई, सैकटरी साहब अज नाले सीगे, उन्होंने विश्वास दवाया भी शाम तक जिहड़ी पोर्टल खोल जूगी आरओ आ जाएंगे तो कल तक खरीद वधिया तरीके होगी। फिर भी जे कल तक खरीद नहीं चंगे तरीके आती, जो जिमीदारां नूं फिर भी घाटा पैंदा तो फिर अगला जिहड़ा अगली रणनीति फिर दोबारा तैयार करके प्रधान जी हुणां नाल, साडे जिला प्रधान जी गुरप्रीत सिंह काला संघा साहब आ, इन्हां नाल रल के अगली रणनीति तैयार करके फिर सरकार दी धौन ते गोटा रख के दोबारा फिर जिहड़ा आरओ आप कटा लांगे। जिद कल तक का टाइम इन्हों को, उस तो बाद फिर अपनी जी नवी रणनीति तैयार करके सरकार को खिंचा। बिल्कुल जिस तरीके भाई ये जीडिया सरकार कुंभकरण की नींद सुतियाँ अफसरसाई भी सा जी रली आ, ये सैलर वाले के नाल आढ़ती रल के पहला भी जिमीदार की लुट खसुट होंगी सरकार मिल के, इन्हों के सैलर मालकों की जे इन्हों सरकार मिल के जो उत्थे हिसाब किताब तो उत्थे हो जाता जी जिमीदार की लुट खसुट करते आ। ये हुण भी हो रही है पर हुण अहीं गांह हुण नहीं देंगे, जिन्ना चिर इन्हां ने कर ली आ कल तो बाद ये लुट खसुट नूं चंगी तरह बंद किया जाऊगा। लगता नहीं कि जिस तरीके नाल तुसीं कह रहे हो कि अजिहे अफसरशाही जिहड़े ने सरकारां दे भी अक्स खराब करदे ने कितना कितना। नहीं सरकारां दा अक्स पहलों ही गंदे आ, सरकारां ही खराब करदियां ते अफसरशाही खराब करदी, उदां तां खराब हुंदा ही नहीं। जिन्नी अपने अफसरशाही आ इन्हां नूं सरकारां ही खराब करदियां। सरकारां हुण किहड़ा अफसर आ, इक थाने दे SHO तों लै के चौंकी इंचार्ज तो लैके पहलों वे महीने तय होंगे, इतने तो ताे इदा के हल्का इंचार्ज भी है जिन्हें मेथों आदि रिपोर्टा 5-5 हज़ार रुपया भी फड़ लेंगे।
ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਦਾਂਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਟਾਲੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਰ ਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਰ ਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਰ ਓ ਜਿਹੜੇ ਬਟਾਲੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਰ ਓ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟਾਲੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਬਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਛਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਸਭ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਟਾਲੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 3.5 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਲਗਭਗ 1509 ਬਾਸਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ 2 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਲ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 60,000 ਪਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਇੰਟਲ ਪਰਮਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ 100% ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ ਬਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ 17% ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਸੁਕਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਆਪਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਠੀਕ